वो ये कहता, भाईजान थैंक यू वेरी मच, आप पाकिस्तान से नहीं खेलोगे अंदर के बाद, अगर खेलना तो टेस्ट क्रिकेट खेलनी, मैं मैनेज करूंगा आपको, मैं स्टार बनाऊंगा आपको, मैं आपको कहूंगा कि 10 टेस्ट मैच है, 12 टेस्ट मैच है, पूरे 12 टेस्ट मैच की ये फिटनेस है, ये रिक्वायरमेंट है, ये बॉलिंग है, 12 टेस्ट मैच साल के चाहिए, और मैं तुम्हें बनाऊंगा स्टार, मैं तुम्हें ट्रेनिंग करवाऊंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा करते क्या है, ठीक। उसके बाद अगर वो ना करे तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, आप T20 का भी हिस्सा नहीं होंगे। धमकी नहीं लगा रहा मैं आपको, उनको ये बता देता कि फिर आप T20 का भी हिस्सा नहीं है, आप घर जाएं आराम करें, मैं 16 साल के लड़कों पर काम क्यों ना करूं फिर। तो मैं फिर दो गुजरा वाले से या कराची से या कोई पिशावर से या गिलगित बल्तिस्तान से आज़ाद कश्मीर से कहीं से भी मैं बंदे लेके आऊँ ना, पीजू से लेके आऊँ, वजीरस्तान से लेके आऊँ बंदे, कहीं तो निकालूँ मैं। तो वो लड़के लाएं, फिर उन पर इन्वेस्टमेंट करें, फिर उनमें से कोई पान ढूंढें 16 साल की उम्र में, जो 20 साल 21 साल की उम्र में पाकिस्तान की कप्तानी करें, इन्वेस्टमेंट करें ना। कुछ लोग मेरे मुल्क में हर तरफ ही छा गए, बड़ा राज कर लिया उन्होंने 15-20 साल एवरेज बंदे ने। एवरेज बंदा, एवरेज बंदे की दो खासियतें होती हैं, एक तो वो जेलस होता है, दूसरा वो अपनी जॉब के लिए किसी का भी गला काट सकता है। तो यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होता रहा 30 साल से। तो एवरेज बंदा खाप भी गया मेरे मुल्क को, तुम जितना एवरेज बंदा ऊपर लाते रहोगे, एवरेज परफॉर्मेंसेस, एवरेज डिसीजन आते रहेंगे। देखो बड़ा आसान है किसी टैलेंटेड बंदे के बारे में बात करें, ये झगड़ालू है, ये लड़ेगा, ये बात सख्त करे। देखो यार ऐसी बात नहीं होती, कुछ लोगों को रिजल्ट चाहिए, कुछ लोगों को उम्मीद चाहिए। तेरे बच्चे को भी यार उम्मीद चाहिए ना कि मैं भी हिस्सा बन सकता हूँ। वो उम्मीद दिलाओ, वो प्रोसेस दिखाओ कि ये बंदा आया है, ये प्रोसेस करेगा, ये आप खेलोगे। और जब आपके 15 के 15 स्टार नहीं बनेंगे, पाकिस्तान में फॉलोइंग नहीं आएगी, और इनको देख के कौन फॉलो